तो फ्रेंड ये ऑल न्यू इग्निस BS6 में जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है 2020 मॉडल। तो फ्रेंड ये टॉप मॉडल है इग्निस का। तो फ्रेंड इसमें काफ़ी सारे खास फीचर्स दिए गए हैं। और फ्रेंड इसके वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, जिसका बेस है सिग्मा, उसके ऊपर आपको मिलेगा डेल्टा, जो सेकेंड टॉप है इसका वो आपको जेटा, जो इस चैनल पर इसका रिव्यू डला है, और ये है अल्फा टॉप मॉडल। तो फ्रेंड इसमें बहुत सारे खास फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या मिलने वाले हैं इस गाड़ी में। तो इसकी की इस तरह की इसमें की मिलेगी, इसमें आपको सेंटर लॉक मिल जाता है, रिमोट कीलेस एंट्री दी गई है, तो इसी से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल लुक पूरा, तो आप पूरा क्लोज व्यू ले सकते हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये फ्रंट में आपको सुजुकी का लोगो और साइड में आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है, जो फ्रंट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको हेडलैम्प के किनारे किनारे भी यहाँ पर ग्रिल मिल जाती है, जो एक काफ़ी स्टाइलिश हेडलैम्प लगते हैं देखने में। यहाँ आप लेंगे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ में इंडिकेटर दिया गया है और DRL भी यहीं पर दिए गए हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प, फ्रंट में आपको स्किट प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिशिंग के साथ, काफ़ी बड़ी सी, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। तो फ्रंट काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। तो ये पूरा फ्रंट प्रोफाइल लुक, ये टॉप मॉडल है अल्फा। फ्रंट में आपको 2 वाइपर और 2 वॉशर मिलेंगे। इग्निस में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, डीजल में ऑप्शन नहीं है इसका। तो ये साइड प्रोफाइल लुक कुछ डिजाइन की गई हुई है। ये फ्रंट टायर, इसमें अलॉय व्हील मिलेंगे ब्लैक फिनिशिंग के साथ, सुजुकी का लोगो, इसमें आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। ऊपर मिलेगी आपको क्लैडिंग ब्लैक कलर में, इसका ओ आर वी एम पर आपको टर्निंग इंडिकेटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM दिया गया है इसमें। तो ये पूरा साइड का लुक, साइड में आपको मॉडलिंग मिल जाती है, जो साइड से काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी देखने में, काफ़ी अच्छा लुक लगता है गाड़ी का साइड से। बॉडी कलर्ड डोर हैंडल दिए गए हैं, इसी पर बटन दिया गया है, इसमें कीलेस एंट्री मिलती है। ऊपर मिलेंगे डोर वाइजर ब्लैक फिनिशिंग के साथ, ये सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रेल, ये रूफ। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। ये साइड मॉडलिंग, बीच में आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको इग्निस की बैचिंग मिल जाती है। इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो इसमें आपको 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर आपको बी पिलर ब्लैक दिया गया है। तो ड्राइवर साइड का आप डोर देख सकते हैं, डुअल टोन में दिया गया है, क्रीम और ब्लैक में, जो काफ़ी अच्छा लुक बना देता है। इस पर आपको ORVM के कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक के और पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। ये हैंडल, नीचे आपको बोतल होल्डर मिलेगा, ये स्पीकर। तो ये पूरा गेट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ड्राइवर सीट की हाइट को बढ़ा सकते हैं, एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है इसमें, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। तो ये लाइट लेवलिंग का कंट्रोल दिया गया है, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है पूरा इंटीरियर। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन मिल जाएगा, AC के वेंट्स पर भी आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। उसके बगल में आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और भी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा इंटीरियर डुअल टोन में दिया गया है, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ है। मुझे इसका इंटीरियर काफ़ी पसंद आया है, आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसकी स्ट्रेंथ, इसमें आपको पावर एंड टिल्ट स्ट्रेंथ मिलती है सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पर मिलेंगे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल, नीचे आपको फोन के कंट्रोल ब्लूटूथ के, दूसरी तरफ आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। इसका वाइपर का कंट्रोल, यहाँ पर मिलेंगे आपको लाइट का। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो बताएगा RPM, स्पीड,
डोर ओपनर, सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऊपर की तरफ एक लाइट दी जाती है जो काफ़ी अच्छा लुक लगता है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करेगा आइडियो वीडियो, ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, और इसमें आपको बताएगा नेविगेशन, लाइव ट्रैफिक, इसमें आपको वॉइस कमांड का भी फीचर्स मिल जाता है। ये काफ़ी स्मूथ काम करता है, चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, तो इसमें आपको रिवर्स पार्किंग भी बताएगा। इसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। इसके कोने साइड भी आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। नीचे आपको हेयर लाइट का कंट्रोल दिया गया है, तो ये इसकी एसी डिजिटल डिस्प्ले के साथ। नीचे आपको एसी के कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर सब कुछ बताएगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसकी एसी में आप जो भी सेट करोगे डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा, तो एक अच्छी बात है। नीचे आपको मिलेगा चार्जिंग सॉकेट और उसी के बगल में मिलेगा आपको ऑक्स और यूएसबी। उसके नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, और इसमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पर कप होल्डर मिलेंगे 2, ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है क्रोम नॉब के साथ। यहाँ पर ये हैंड ब्रेक दिया गया है, उसके नीचे कुछ स्पेस दी गई है। रियर में आपको बोतल होल्डर मिलेगा, एक एसी के वेंट्स, यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिया गया है। ये इसका ग्लोव बॉक्स काफ़ी डीप दिया गया है, तो अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये इसका पूरा डैशबोर्ड, इसमें आपको डुअल एयर बैग दिए गए हैं। तो इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर दिए गए इसके ट्विटर। इसका इंटीरियर कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये कूडेवा साइड सनवाइजर पर आपको मिरर मिल जाता है, एक केम एन लैम्प। ड्राइवर साइड सनवाइजर पर आपको मिरर नहीं मिलेगा। ये ग्रैब हैंडल, ये फ्रंट सीट पर आपको हेडरेस्ट मिलेगा, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये रियर सीट, अगर इसमें सेफ्टी की बात करें तो आपको मिलेगा हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, की लेफ्ट रिमाइंडर, हेड लैम्प ऑन रिमाइंडर, ओवरटेकिंग एंड टर्न इंडिकेटर, इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट वाइपर एंड वॉशर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, हाई माउंट LED स्टॉप लैम्प, चिल्ड प्रूफ रियर डोर्स, रियर पार्किंग सेंसर, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, रियर डिफॉगर, रियर वाइपर, रियर व्यू पार्किंग कैमरा। तो इतने सारे आपको इसमें सेफ्टी में फीचर्स मिल जाते हैं। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल दी गई हैं, अंदर भी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। इसमें कंपनी हर तरह के फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपको सेंटर लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, टच स्क्रीन प्लेयर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, डुअल एयरबैग, तो हर तरह के फीचर्स प्रोवाइड करती है कंपनी इसमें। तब इसके रियर सीट पर चलते हैं, स्पेस बताते हैं आपको और रियर सीट पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो रियर डोर करते हैं इसका ओपन, रियर डोर पर आपको क्या मिलेगा देखने को। तो इसका रियर डोर, रियर डोर पर भी आपको थोड़ी क्रीम फिनिशिंग मिल जाती है देखने को। पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है, एक बोतल होल्डर, एक स्पीकर। तो ये पूरा रियर डोर, तो ये पूरा रियर का लुक। रियर की सीट को आप स्प्लिट कह सकते हैं, यानी कि आप फोल्ड कर सकते हैं स्पेस बढ़ाने के लिए। रियर सीट पर आपको हेडरेस्ट दिया गया है एडजस्टेबल, जो काफ़ी अच्छी बात है। रियर में आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। पार्सल ट्रे दी गई है, ये हैंडल दिए गए हैं, रियर में भी आपको हैंडल मिलते हैं। रियर पॉकेट मिल जाती है आपको फ्रंट सीट पर। तो ये स्पेस काफ़ी अच्छा है। तो इसका रूफ, तो ये पूरा अंदर का लुक रियर सीट से इस तरीके का दिखाई देता है इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर इसका कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कंफर्ट एंड कन्वेंस की बात करें तो फुटरेस्ट, फ्रंट पावर विंडो एंड रियर पावर विंडो, ऑटो डाउन ड्राइवर पावर विंडो, टिल्ट स्टीयरिंग, 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट, कप होल्डर, वोटर होल्डर, एयर कंडीशनर विथ हीटर, रिमोट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, डे एंड नाइट RIVM,
रियर सीट एडजस्टेबल हेड रेस्टोरेंट रियर स्प्लिट सीट, रियर की सीट को आप स्प्लिट कह सकते हैं, फोल्ड कह सकते हैं। लगेज लैम्प, पार्सल ट्रे, इंजन पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। तो इतने सारे आपको कंफर्ट एंड कन्वेंस में फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें हर फीचर्स दिया गया है। तो इसके बाहर चलते हैं तो इसका एक्सटीरियर दिखाते हैं आपको। तो रियर टायर, रियर में आपको ड्रम ब्रेक और आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो ये पूरा बैक प्रोफाइल लुक, तो बैक से इस तरह की दिखाई देती है गाड़ी। तो बैक भी काफ़ी अच्छा है, ये स्टाइलिश आपको स्पॉइलर मिल जाता है। रूफ एंटीना, यहाँ पर आपको डिफॉगर दिया गया है। ये रियर वाइपर, यहाँ पर भी एक बड़ी सी ग्रिल दी गई है, जैसे बलेनो में आती है नेक्सा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, ये इग्निस की बैजिंग। ये इसकी टेल लाइट, टेल लाइट आपको बाहर नहीं मिलेगी, आपको काफ़ी स्लिक दी गई है। तो नीचे मिलेंगे आपको रिफ्लेक्टर, ये रिवर्स पार्किंग सेंसर, नीचे स्किट प्लेट सिल्वर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर मिलेगा आपको रियर पार्किंग कैमरा, और रियर में आपको हाई माउंट LED स्टॉप लैंप मिलेगी। तो इसके साइड में चलते हैं, तो ये साइड प्रोफाइल लुक। इस गाड़ी की जो लेंथ है 3700 mm और विथ 1690 mm और हाइट 1595 mm और व्हील बेस 2435 mm, और इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है 4.7 meters। तो इसका फ्यूल लिड, इसमें आपको 32 liters का फ्यूल टैंक मिलेगा, 32 liters का। यहाँ पर भी ये डिज़ाइन दी गई है, जिससे गाड़ी को साइड से देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक लगता है। ये कूडियावे साइड डोर, इस पर भी आपको बटन दिया गया है। तो कूडियावे साइड का डोर क्रीम और ब्लैक फिनिशिंग के साथ। तो ये पूरा इंटीरियर इस तरीके का है, पूरा इंटीरियर। और अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 liters का पेट्रोल इंजन मिलेगा, 1197 cc 4 cylinder के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करेगा 61 kW 6000 rpm पर, और टॉर्क 113 Nm 4200 rpm पर। और ये BS6 इंजन मिलेगा इसमें। और अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको माइलेज मिलेगा 20.89 kmpl, यानी कि 20.5 का माइलेज मिलेगा। और इसका जो इंजन है, इसके हर वेरिएंट में आपको सेम इंजन मिलेगा, 4 cylinder और 1.2 liters का। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आता है, डीजल का ऑप्शन नहीं है। और फिर इसके जो बेस मॉडल है उसके ऊपर आपको जो मिलेगा डेल्टा, उसमें अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, स्टील व्हील मिलेंगे। इसके नीचे आपको जो मिलेगा जेटा, उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। अगर इसकी एक्स रूम प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स रूम प्राइस है 6,75,000, और ये स्टार्ट होती है 4,90,000 से, जो इसका बेस मॉडल है। तो फ्रेंड इसका आप बूट करते हैं ओपन, बूट में कितना स्पेस मिलने वाला है। तो इसका बूट, इसमें आपको जो बूट मिलेगा 260 liters का, 260 liters का। इसमें आपको लगेज लैंप भी मिल जाती है, ये पार्सल ट्रे, ये दी गई है लैंप, और ये रखा इसका स्पेयर व्हील नीचे। ये आपको स्टील मिलेगा, स्टील में है स्पेयर व्हील। यहाँ से आप इन सीट को स्प्लिट कह सकते हैं, फोल्ड कह सकते हैं, बूट स्पेस बढ़ाने के लिए। अगर आपको और भी बूट चाहिए तो आप बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं सीट फोल्ड करके। ये नॉर्मली अब हर गाड़ी में मिलता है आपको, यह सीट आप फोल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आप न्यू गाड़ियों का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पर आपको न्यू गाड़ियों का रिव्यू मिलता है। और फ्रेंड अगर आप कोई गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम रिव्यू कर देंगे उसका। और फ्रेंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नई गाड़ी के रिव्यू पर, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।